24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार है, लेकिन कई जिलों में मूलभूत अधिकारों से वंचित रहे लोग, तो इसपे क्या कहें? देखिए, पिछले 25 साल से यहाँ का स्थानीय सरकार सारे मोर्चा में विफल हुआ है। गाँव में पीने की पानी तक नहीं है। महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ा नदी है। हीराकुद डैम आज़ादी के उपरांत बना था उड़ीसा में सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, पीने की पानी को व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए। पिछले मार्च के अंतिम सप्ताह में उस हीराकुद टाउन में, छोटी सी टाउन में डायरिया हो गई, एक जना की शहीद होना पड़ा, मृतक हो गए, 100 से ज़्यादा लोग आक्रांत हुए। जो सरकार 25 साल में उड़ीसा के नागरिकों को एक बूंद में स्वच्छ पानी ना दिया जाए, दे पाए, रोजगार ना दे पाए, भ्रष्टाचार चरम पे है, महिलाओं के अत्याचार में उड़ीसा आज बदनाम हो रही है, उस समय में ये लोग आज अकंट भ्रष्टाचार से डूबे थे। मोदी जी की डबल इंजन सरकार आगे उनको रास्ता साफ करेगी, यही है मुद्दा। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।